नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हरौली में 110 करोड़ से बने मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, 25,000 किसानों को मिलेगा फायदा। प्री बोर्ड एग्जाम करवाएंगे सरकारी स्कूल, उच्च शिक्षा निदेशक ने दिए आदेश। 21 फरवरी को होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास। वसंत पंचमी पर खूब चला पतंगबाजी का दौर, कुल्लू में भरत मिलाप देखने लायक। भंगाणी युद्ध की जीत पर पांवटा में फतेह मार्च, मंडी में शक्ति प्रदर्शन। धर्मशाला में SBI की ATM काटी, CCTV कैमरा से भी छेड़छाड़। और नारकंडा में अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में 50 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। ऊना जिला में हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत सिंगा गांव में 110 करोड़ रुपए से बने मेगा फूड पार्क का रविवार को विधिवत उद्घाटन हो गया। 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर निर्मित फूड पार्क केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता के नाम किया। इस दौरान उद्घाटन स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि फूड पार्क से 25,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और 5,000 लोगों के लिए रोजगार के द्वार अलग से खुलेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 518 करोड़ रुपए के 30 प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए स्वीकृत किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उपस्थित लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। इसी प्रयास के तहत लोकसभा चुनावों के बाद धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में बंगलुरु और हैदराबाद में आयोजित ऐसे ही कार्यक्रमों की सफलता पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर का संबोधन भी हुआ। निश्चित तौर पर जब 110 करोड़ रुपए की निवेश हुआ है तो बड़े छोटे सब प्रोजेक्ट लगेंगे। बात तो ये है कि हिमाचल का प्रोडक्ट देश और दुनिया में धूम मचाए और उन उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह ने इस संबंध में स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी स्कूल प्रबंधन ने बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की तैयारियों में कोई कसर छोड़ी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्कूलों के फाइनल रिजल्ट में कोई कमी ना रहे, इसके लिए अध्यापकों को खुद गंभीर होना पड़ेगा। निदेशालय ने स्कूल वाइज प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ब्यौरा भी मांगा है। हर स्कूल प्रबंधन को फरवरी तक ही ये रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितने छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षाएं ली हैं। रिजल्ट से पढ़ाई में कमजोर और होशियार छात्रों का पता चल सकेगा, साथ ही पीछे चल रहे छात्रों के लिए अलग से कक्षाओं का इंतजाम होगा। एक दशक से सियासत के समंदर में गोते खा रहे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तारीख तय हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 21 फरवरी को इसकी नींव रखेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने रविवार को इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दिल्ली स्थित कार्यालय से मुख्यमंत्री को इस संबंध में सूचित किया गया है। उधर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नमो अगेन के लिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, इसलिए इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जबकि प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश में महागठबंधन के लिए जिस तरह से जोड़ तोड़ शुरू हुआ है वह सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। हमारा लक्ष्य हिमाचल की चारों सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना है। इस दौरान बैठक में चुनाव कार्यक्रम भी तैयार किया गया जो कि 11 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। और जो केंद्र से आए वो कार्यक्रम उस पर रूपरेखा भी बनी, कैसे करना है, जमीन पर हमने काम कैसे करना है उसके बारे में भी तय करके आगे बढ़ने का एक निर्णय हुआ। हिमाचल में रविवार को वसंत पंचमी की खूब धूम रही। इस दौरान जहां पतंगबाजी का दौर चला वहीं जगह जगह हलवा व मिठाइयां भी बांटी गई। कुल्लू में उत्सव का आगाज भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा से हुआ जिसमें भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालु वाद्य यंत्रों की धुनों पर भगवान के रथ को ढालपुर लाए जहां राज परिवार ने सभी रस्में निभाकर रथ की परिक्रमा की। यहां राम भरत व गुरु वशिष्ठ का भव्य मिलन हुआ। इसी के साथ कुल्लू में होली पर्व का आगाज हो गया। अब अगले 40 दिन तक जिला में रंगों के त्योहार की खूब धूम रहेगी। एक जो महंत परिवार का व्यक्ति है वो हनुमान बनता है जो आपने देखा, और एक पुजारी भरत का रूप धारण करेगा, एक महंत गुरु विशिष्ट बनेगा,
और हनुमान जी उनको नंदी गांव से लाते हैं और सारे रास्ते में भक्ति दंडवत करते हुए आते हैं। उसके पश्चात बसंत का जो है उनका वर्त मिलाप होता है और आज के दिन से होलिका दहन का भी शुरुआत हो जाती है। ये होली का उत्सव 40 दिन जैसे मथुरा वृंदावन में चलता है, कुल्लू में भी इसी प्रकार चलता है। उधर बाल आश्रम हमीरपुर में बसंत पंचमी पर सीनियर सिटीजन काउंसलिंग के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां स्कूली छात्रों ने मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत गाकर देशभक्ति से रूबरू करवाया। इसके अलावा सोलन के सबाथू में पतंगबाजी का दौर चला और बच्चों सहित बड़े भी पेच लड़ाते देखे गए। उत्सव के दौरान बाजारों में जगह जगह भंडारे लगाए गए, जहां हलवा व मिठाइयां बांटी गई। यही दौर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी चला, जहां आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंग अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। पांवटा और मंडी में रविवार को सिख समुदाय के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन कर फतेह मार्च निकाला। मौका था भंगाणी युद्ध की जीत और सतगुरु राम सिंह के जन्मोत्सव का। भंगाणी साहिब से पांवटा साहिब तक निकले मार्च में भारी संख्या में संगत शामिल हुई। बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन का पहला धर्म युद्ध भंगाणी साहिब में लड़ा था और 13 दिन बाद गढ़वाली राजा पर विजय पाई थी। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली कि उनके यहां पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, तभी से यहां विशाल फतेह मार्च निकाला जाता है। उधर नामधारी संगत मंडी ने सतगुरु राम सिंह के जन्मोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन कर चौहटा बाजार में शक्ति प्रदर्शन किया। संगत के हरदीप सिंह ने कहा कि सतगुरु राम सिंह 12वें अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने देश की आजादी के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विधवा विवाह को पुनः शुरू करने का समर्थन किया था और बाल विवाह को रोका था। धर्मशाला के साथ लगते शीला चौक में शनिवार देर रात SBI की ATM काटने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर कैश निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। शातिरों ने एक तरफ से ATM को गैस कटर से काट दिया है, साथ ही CCTV कैमरा पर स्प्रे कर दी ताकि चेहरे दिखाई न दें। इसका पता रविवार सुबह उस समय चला जब स्थानीय लोगों की नजर ATM की तरफ गई। इस पर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बैंक के चैनल मैनेजर को दी। प्रबंधक हरि धीमान का कहना है कि मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर पुलिस थाना धर्मशाला के SHO सुनील राणा ने बताया कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति में फंसे मरीजों को एयरलिफ्ट कर घाटी से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रविवार को प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी उड़ान करवाई। इस दौरान लाहौल के 6 मरीजों सहित 16 लोगों को कुल्लू पहुंचाया गया। जिला प्रशासन के आग्रह पर यह विशेष उड़ान भुंतर हवाई अड्डे से करवाई गई। हेलीकॉप्टर ने उदयपुर से 3 व स्टिंगरी से 3 गंभीर मरीजों को सुरक्षित कुल्लू पहुंचाया। उपायुक्त लाहौल स्पीति अश्विनी कुमार चौधरी ने बताया कि इमरजेंसी उड़ान के माध्यम से मरीजों के साथ उन लोगों को भी एयरलिफ्ट किया गया है जिन्हें जरूरी काम से घाटी से बाहर जाना था। हिमाचल में भी कंपकपाती ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। जनता को इस हफ्ते भी ठिठुरना पड़ेगा क्योंकि कल से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। हालांकि सोमवार को मैदानी इलाकों में तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र इससे जुदा नजर आएंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 12 से 16 फरवरी तक समूचे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी होगी। उधर रविवार की बात करें तो आसमान में सूर्यदेव और बादलों के बीच लुकाछुपी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में सोमवार से समय बदलने वाला है और 12 से समूचे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा, जिसका सिलसिला 16 फरवरी तक जारी रहेगा। और अब खेल समाचार। स्नो सिटी नारकंडा की प्रसिद्ध स्लोप धोमड़ी में रविवार को अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब नारकंडा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चिल्ड्रन वर्ग में धनंजय, सब जूनियर में मनन, जूनियर में आर्यन शर्मा और ओपन वर्ग में सत्यम कैंथला ने पहला स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। और अब चलते चलते नालागढ़ में विधायक लखविंदर राणा के होटल से चोरी करते धर दबोचे 3 शातिर। मनाली के मनु मार्केट में जनरल स्टोर राख, 20 लाख का नुकसान। लाहुल में गोशाल गांव के समीप गिरा हिमधाव, 4 ढाबे तबाह। और टेक्नोमेक घोटाले में कंपनी का सीनियर इलेक्ट्रिकल मैनेजर गिरफ्तार। हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं एकता और संजीवन शर्मा की आवाज में ये चंबियाली गीत। तेरे कन्ने दिलड़ू लगाना, तेरे कन्ने दिलड़ू लगाना, ओ छोरुआ चंबे दिया, तेरे कन्ने दिलड़ू लगाना।
ना ओ छोरू आचंबे दिया प्यार व्यार प्यार व्यार तिजो ने निभाना ओ छोरिए चंबे दिए प्यार व्यार तिजो ने निभाना ओ छोरिए चंबे दिए ओ छोरिए चंबे दिए ओ छोरुआ चंबे दिया ओ छोरिए चंबे दिए ओ छोरुआ चंबे दिया गजरा गजरा बाला च गजरा दिल तेरा मेरा जलाना ओ छोरुआ चंबे दिया दिल तेरा मेरा जलाना ओ छोरुआ चंबे दिया तेरे कने दिलड़ो लगाना ओ छोरुआ चंबे दिया गजरा ते गजरा मैं ताली ओना गजरा ते गजरा मैं ताली ओना रूप तेरा मैं ता सजाना ओ छोरिए चंबे दिए रूप तेरा मैं ता सजाना ओ छोरिए चंबे दिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।